माँ तो नहीं है, माँ के कब्र पर लेके कहूंगा कि अम्मी जान मैं गया था मस्तान साहब की बस्ती में, लोगों ने इनाम दिया है, मुझको उसकी परवाह नहीं है। गालियां देना चाहते हो गाली दो, लेकिन हक का पैगाम पहुंचाऊंगा, क्योंकि मेरा ताल्लुक आपका ताल्लुक उस नबी रहमत से है जिसने ताइफ के पत्थर को खाकर भी रहमत की दुआएं मांगी। एक बीजेपी नेता चले गए बस्ती, तो वही किस्म का पुल टूटा रहा है, सड़क टूटा रहा है, बिजली न्यूज हो गई। नेताजी क्या किया आप 15 साल से, आप हैं कभी बिजली नहीं, कभी सड़क नहीं, कभी पुल नहीं, कौन सी का वोट देंगे आपको? अरे खबरदार, तुम्हारा बाप है, बुलाओ तो उसको। मैंने कहा है बोलो अपने बाप को, तुम बिजली के नाम पर, तुम पानी के नाम पर, तुम कभी सड़क के नाम पर हमको वोट दिए थे? तो बोला किसके नाम पर वोट दिए थे? तो बोला राम मंदिर के नाम पर नहीं दिए थे, हम राम मंदिर बना के तो जो वादा किया था वादा किया कि नहीं किए? तो अब वो छोटा बकमक गए, आखिर बोल बेचारा वादा रहता बात रहे, ईमानदारी से बोलो दी, कभी तुम्हारा इरा सोचा कि मोटी दादी मोरे के लिए डॉक्टर नहीं मिल रहे कुनिया से पीपल तोला से ने इस चनकी ताराबाड़ी तक 1.5 लाख 2 लाख लोग है बनना। आसार सोनो तो अगर कोई बीमारी है सांपों का डॉक्टर छे MBBS किया इस्माइल साहब मरहूमे जमाना देखा हॉस्पिटल बनने अनुसार यार जमाना तो हॉस्पिटल बनने गए नहीं वहां से तो कभी डॉक्टर दखलो में जब बोले तो कुत्ता बढ़ो जो डॉक्टर बोले नहीं हो चे इरा दखलो ना तुम्हारा तो मामला इरा छे कि तुम्हारा जो MLA साहब तुम्हारा जो बोलो उनके सड़क इरा बोल तो बड़ा तकलीफ हो जाए तुम्हारा वोट दिलन ना सर के नाम पर कटाओ नाम पर तुम्हारा कहा नाम पर दिलन सुजापुरी नाम पर दिलन मस्तान साहब अत्यंत सच्चा आदमी छे कि वो बेसी सुजापुरी बोलो आप पटना तो जहा तो लुंगी पीने अपना रिक्शा पर चले जाके मैं सुजापुरी के खाटी सुजापुरी जरा वादा के वादा के लिए निकले क्या? देखो नीयत बदलती है तो रास्ता बदल जाता है, नीयत बदलती है तो जिंदगी का अंदाज बदल जाता है। एक लड़का सड़ा भी हो और तबलीगी जमात बदल जाए चिल्ला में तो जाने के बाद चेहरा वाड़ा बदल जाता है ना जी, कुर्ता बदल जाता है, चेहरा बदल जाता है, बात करने का अंदाज बदलता है, तो नीयत बदलती है तो अंदाज बदल जाता है। नीयत बदले हो अपने आप को बदलने के लिए, क्या इन कटाओं से नजात चाहते हो? बस्तियों में एम्बुलेंस चाहते हो? बच्चों के लिए स्कूल चाहते हो? गांव चौधरी लाछे मस्ताने नामेरपुर विचार दर्जन जहाँ वहां नामेरपुर ने चौधरी पर हो गरीब सलाह पर जुलम करो जी टोकरी माटी नहीं करते वहां नानी तक उगते दो एक बकरी चले गए तो माँ बहने गाली दो बोला गांव चौधरी ला बोला चौधरी ला बहुत परेशान छे कि हंचार सरदार है जब निदेवे तो हंचार की गत परेशान हो दिला महिला छो हम आपकी बात नीयत बदलती है। अगर यहाँ से जवाब चाहे दिल्ली आओ चाहे गल की मोटी दादी भी मार गई कलकत्ता तो नीयत बदल गया ना तो गाड़ी किधर का पूरब का बदलोगे पश्चिम का बोलोगे तो नीयत बदलती है तो रास्ता बदल जाता है, नीयत बदलती है तो इंसान का किरदार बदल जाता है, नीयत बदलोगे तो इंशाल्लाह नेता बदलेगा तुम्हारी नस्लों की तकदीर बदलेगी। इमाम साहब इमाम साहब मदरसा खान यार स्कूल खान नाम जानी नाम की कांग्रेस पार्टी कौन पार्टी छे मिया कांग्रेस पार्टी तो अभी जब एक बात बोले हर्षा कि बेटी तरह सवाल ओसो हो चारटा ताकि करो ना लड़का कमन छे चाल चलन कमन छे घोर घाट कमन छे कमाई कमन छे चाचन कौन गया तो अले जे बोल MLA तुम्हारा तहकीक कर बन तुम्हारा पिछली बार की तहकीक कलन गाँव रे एकटा लोग रहे तुम्हार बेटी पर कैडा सवाल हो तो कहले मैं लोग टाटा बेसी नहीं धूमधाम से बड़ा तूफानी पा दो लेकिन फल्ला मायन साहब बेटा छे नी वहीं तो वस्तोक तो गाड़ी ने वस्तोक हाथी ने वस्तोक लड़का रो हाथी बोट घोस मेरे खुद लड़का पोलियो वाला छे तो माजन रे बिल्कुल तो कोई छोड़ नहीं मैं पोलियो वाला छे बस्ती रहा कहो नहीं हत्ती पर बरात हो जाए कम अज कम मोर बेटी हत्ती पर तो बरात हो उसमें तो पोलियो वाला तो वसाई दिले दिले वार बेटी उम्र भर कान लेके मोर बाप हत्ती देख ले दरवाजा तो मोर जीवन साथी कभी नहीं कान मेरी नहीं कान मेरे कांग्रेस हत्थी है ना जे हाल हूँ मानन साहब मेरी बेटी भर वही आलान चढ़ीला कर गाड़ी पर बेटा आएगा दूल्हा आएगा सेहतमंद होगा तो एक दिन शादी के दिन रंगीनी नहीं होगी लेकिन उम्र भर मेरी बेटी खुश रहेगी खुशहाल आज अगर पूरे और क्या है किरदार कांग्रेस का किरदार ये है कि कांग्रेस ने मुसलमानों का इस्तेहसाल किया है दलितों को उसने लूटा है मुल्क आजाद किया हमारे उलमा ने गर्दनों को कटा कर मुल्क के सरदारी दी कांग्रेस के खानदान को लेकिन मुल्क जब बटकर अलग हो गया तो जो बचे थे हिंदुस्तान में मुसलमान वो वफादार मुसलमान थे वो अपने बापों के कब्रों को अपने बुजुर्गों के मजारों को अपने खानकाहों को आबाद करने के लिए हिंदुस्तान में था लेकिन इसको क्या खौफ रहा ये तो सुल्तानों का बेटा है ये मुगल बादशाहों की नस्ल से ताल्लुक रखता है इसको दबा कर रखो वरना फिर बादशाह बन जाएगा क्या हुआ काटना छाटना शुरू कर दिया मुसलमानों को
नौकरी से बेदखल, फौज से बेदखल, अदालत से बेदखल। और रिपोर्ट ये कहती है कि आज़ादी के वक्त मुसलमानों को 23% नौकरी थी और आज 5% पर पहुंचा दिया गया, यानी आज दलितों के बराबर कर दिया गया है। जब मुल्क आज़ाद हुआ था 16% ब्राह्मण लोग पढ़े लिखे थे और 24% मुसलमान पढ़े लिखे थे, और आज मुसलमानों की हालत यह हो गई है कि सबसे ज्यादा अनपढ़ मुसलमानों की बस्ती में। किसने किया? स्कूल खुलने नहीं दिया, कॉलेज खुलने नहीं दिए, ऊपर से डर दिखाया। क्या डर दिखाया? कि इनको मस्जिद से बड़ी मोहब्बत होती है, मस्जिद के नाम पर ये गर्दन कटा देगा। मस्जिद से झगड़े की शुरुआत करो। सुन, 1949 में सबसे पहले मूर्ति कांग्रेस ने बैठवा दिया। कहाँ बैठा दिया? बाबरी मस्जिद। याद है कि नहीं है? बहुत सारे लोग बोलो बोले कांग्रेसी कांग्रेसी, बोले अपना खानदानी कांग्रेसी। बिल्कुल अपना भाई खाता नहीं होती कुनिया खानदानी कांग्रेसी। तो दादी नाम जैन बुन निशा, तो तोर दादो नाम कुनिया नेहरू लिखाल छे, तोर दादो कुनिया गांधी लिखाल छे। जब तोर दादो गांधी नहीं बोलते तिवारी संतान करने बोलो को के नहीं मौलाना आजाद है ना, तो मैंने बियो को मौलाना आजाद है तो कोला लोला दे नहीं दे, कुनिया ना जाओ लाचे बोल है बे वार। तो अगर कांग्रेसी अपने आप को कहते हो तो मुझसे ज्यादा कांग्रेसी नहीं हो सकते हो लोगों। आपने वोट देकर कांग्रेस को जिताया है। अख्तर ईमान ने वजारत की कुर्सी को लात मारकर कुर्बानी देकर कांग्रेस को जिताया है। लेकिन जब वही कांग्रेस का एमएलए जिसको आपके मुकामी एमएलए ने कांग्रेस के एमपी मौलाना असराउल हक को सीसाबाड़ी की मिट्टी गवा देगी, जाकर पूछो मौलाना इफ्तखार, मास्टर इफ्तखार साहब शमशाद भाई है वहां से आए हुए कांग्रेस के लीडर, वो अगर इंसान चुप भी रहेगा तो वहां कंकर और पत्थर गवाही देगा कि इस एमएलए ने मौलाना को बीजेपी का जासूस कहने का काम करने का काम किया। और अख्तर ईमान ने क्या किया? कुर्बानी देकर मौलाना की इज्जत को बचाने का काम किया। कांग्रेसी पक्का बोलने मैं कांग्रेसी पक्का बोलू। दूसरी बात, हमने वोट दिया था किस लिए? हमने वोट दिया था कि पार्लियामेंट में जाकर हमारी आवाज उठाएगा मौलाना। किस पर हमला हुआ? एक मुसलमान शराब पी सकता है, जुआ खेल सकता है, लेकिन जब मस्जिद का मीनारा कोई तोड़े, कुरान के साथ बेहुरमती करे, किसी आलिम के साथ कर कोई बेहुरमती करे, वो शराबी मुसलमान भी उस जालिम को नहीं बख्शेगा जो हमारे कुरान की बेहुरमती है। तलाक का कानून, शरीयत का कानून, तलाक का कानून, अल्लाह का फरमान। एक औरत बदचलन हो जाए, शौहर उसका जमाती हो, मौलवी हो, सूफी हो, ईमानदार हो, क्या वो बदचलन औरत को हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? एक औरत बहुत नेक है, सोमो सलाद की पाबंद है, एक शराबी शोहर रात और दिन उस पर जुल्म करता है, उस औरत को उस जालिम मर्द से आजादी चाहिए कि नहीं चाहिए? शादी एक मुकद्दस रिश्ते का नाम है इस्लाम में। शादी कोई बंधन का नाम नहीं है, किसी गुलामी का नाम नहीं है, यह शरीयत का कानून है। और इस कानून को मोदी आवारा ने बदलने की जब कोशिश की तो उस वक्त कौन जानता था शरीयत को? शरीयत मुतहरा का कोई जानकार अगर था तो उसका नाम मौलाना असराउल हक कासमी था, जिसको अल्लाह ने तफक्कुफ दीन दिया था। और जब उसने बोलना चाहा कि ये मेरे शरीयत के खिलाफ है, औरतों के हकूक के खिलाफ है, आईने भारत के खिलाफ है, मैं बोलूंगा, तो इसी कांग्रेस पार्टी के नेता ने हमारे आलिम दीन को पार्लियामेंट में बोलने की इजाजत नहीं दी। धर्मवाड़ी के लोगों, इस इलाके के गय्यूर मुसलमानों, दलितों और इंसाफ पसंद लोगों, अगर गैरत ईमानी जिंदा है तो जिस शख्स ने हमारे आलिम दीन को पार्लियामेंट में हमारे कुरान की हिफाजत के बोलने नहीं दिया है, उसका कोई नेता जायज हो या नाजायज हो, अपने बस्ती में उसको बोलने की इजाजत हम नहीं देंगे। आसू उम्मीद है कि तुम्हारा तो कुछ के बुलवा नहीं दूं, अल्लाह शुक्र से बुलवा नहीं पावे, बुलवा नहीं पावे। वक्त ने उससे पहले ही उस पर कर दिया है कि बोलने की ताकत नहीं है। और एक बात सुन लो, बच्चों को रहने दो, बच्चों बच्चों को पुलिस से मत डराओ। चोर पुलिस से डरेगा, सरी पुलिस से नहीं डरेगा। छाजे नेता कहने क्या तुम्हारा नहीं दरोगा पावर के है, वीडियो मिले कहनी कहते मुश्किल से वीडियो नहीं, झगड़ा लगा है तुम्हारा लाख बजे, कोई अपना कुनिया से नहीं आ रहे भाई, वीडियो नौकर है तुम्हारा। मामला ये है कि बाबरी मस्जिद में ताला लगा कब? 1949 में किसकी हुकूमत थी? 49 में मूर्ति बैठाई गई, किसकी हुकूमत थी? ताला लगा 50 में, किसकी हुकूमत थी? 86 में ताला तोड़ा गया, किसकी हुकूमत थी? 92 में जब मस्जिद तोड़ी जा रही थी दिल्ली में, किसकी हुकूमत थी? तो फिर हमारी मस्जिद को तोड़ने और तोड़वाने में जिसका दखल हो उसका कोई आदमी हमारी बस्ती में बात करने के लायक हो सकता है? दूसरी बात सुनो, पार्लियामेंट जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, मस्जिद को तोड़ना एक मुजरिमाना अमल था, लेकिन राम मंदिर के हक में फैसला हो गया। बीजेपी का लोग नाचता जिन गुंडों ने तोड़ा था मीनारे को, लेकिन कांग्रेस का लोग भी नाच रहा था कि नहीं नाच रहा था? जो हमारे मस्जिद के फैसले के खिलाफ नाचे वो हमारे वोट का हकदार हो सकता है? फिर बीजेपी के लोग ईंट पत्थर से बना रहे थे दीवार मंदिर की,
कांग्रेस के नेता ने क्या कहा? नहीं नहीं, हम चांदी के ईंट से बनाएंगे। कमलनाथ ने क्या किया? कांग्रेस का एक्स चीफ मिनिस्टर कहा कि हम चांदी की ईंट भेज रहे हैं, जो हमारी मस्जिद की जगह पर मंदिर बनाने में चांदी की ईंट लगा है, वो बेईमान कांग्रेसी हमारा नेता बन सकता है? जब नहीं बन सकता है तो उसका कोई नेता हमारे बस्ती में बात नहीं कर सकता।